सारी दुनिया ज्ञान के अंधकार में समा रही थी, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर सिर्फ भारत ही उन क्षणों को झेल पाया। भारतवासियों के विश्वास, ब्रह्मत्व और ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं यहाँ के सारे मंदिर। जब धार्मिक उन्माद और अंधविश्वासों का प्रहार होता है तो वाराणसी, सोमनाथ, कुंभकोणम, अरककोणम, मदुरई, वरंगल, महाबलीपुरम, पुरी, हम्पी, लिपाक्षी, एक नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक के अनेकों मंदिरों को कुचल दिया गया। आजादी आने के बाद भी हमारे मंदिरों की सुरक्षा नहीं है, इसका जीता जागता मिसाल है भयानक अक्षरधाम मंदिर का विध्वंस कांड। अक्षरधाम के ऊपर जिसने भी हमला किया है हम उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। हम सबके शांत वचन सुन सुन के ही अयोध्या के राम मंदिर, सोमेश्वर के सोमनाथेश्वर मंदिर का नाम और निशान मिट गया था। आप ऐसे ही शांत वचन बोलते रहेंगे तो हमारे भारतवर्ष के 138 दिव्य क्षेत्र जो है वो इतिहास के पन्ने के अलावा आंखों से देखने को नहीं मिलेंगे। क्षेत्र की रक्षा के लिए हमारे देश की राजनीति में राजनेता है। जब वो अपने स्वयं के बारे में नहीं सोच पा रहे तो मंदिर के बारे में क्या सोचेंगे? फिर अब क्या करना चाहिए हमें? हर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पहले एक क्षेत्रपालक रहता था, हमें ऐसे क्षेत्रपालक को अब बनाना होगा। क्षेत्रपाल मतलब? क्षेत्र को और क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिए जान देने वाला, जरूरत है तो जान निकालने वाला। क्षेत्रपालक को सारी प्राचीन युद्ध विद्या से अवगत होना चाहिए। क्षेत्रों के लिए जान देने वालों में से आजकल कौन बचा है? आप कौन है पूछ रहे थे ना, लीजिए इतने लोग आए हैं। आए हैं ठीक है, लेकिन ये सब पौराणिक विद्या सिखाने वाला इस आधुनिक युग में कौन है? है वो सब विद्या जानने वाले आदमी पूरे भारत वर्ष में एक ही तो है। हिमालय के नीचे ऊर्ध्व प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग संगम को पार करेंगे तो पुरातन विद्या के सरताज जो तक्षशिला में आजीवन ब्रह्मचारी है। की उम्र पार करने के बाद भी उनके अंदर 100 आदमियों को मारने की ताकत है। रोज बद्रीनाथ की पूजा करने वाले उस शख्स का नाम है भीष्म नारायण। से कैसे मिल सकते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मैं जो भी विद्या जानता हूं वो इन बच्चों को सिखाऊंगा। जो श्लोक सिखाया था वो बोलो। चीरो धनवन प्रदेशे प्रदेशे प्रदेशे। चीरो धनवन प्रदेशे शुचिमणि शुचिमणि। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही मुश्किल श्लोक है, मुझे ही सीखने में एक महीना लग गया था। मालाकृता धनस्थ स्फटिकमणिनिभाय मातृगैर्मण्डिताङ्गम्।
गुरुजी, हम गवाले हैं, हमें श्लोक के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगर उसने कुछ गलत गाया हो तो क्षमा कीजिएगा। गलत गाया हो तो माफी दीजिए। इसने बिल्कुल भी गलत नहीं गाया। दूसरे बच्चे जिस श्लोक को गाते समय लड़खड़ाते हैं उसे इसने बिल्कुल स्पष्ट गाया, ये सामान्य बात नहीं है। एक संथाग्राही। अपने बेटे को मुझे सौंप दीजिए। उस श्री हरि के हाथ का सुदर्शन चक्र जितना शक्तिशाली है इसे उतना शक्तिशाली बनाऊंगा। आज से सुख क्षत्रिय के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। Encoded by a sheep 24/7. से आयु में बहुत बड़ा है, तजुर्बे में बहुत बड़ा है, उसे मार सकते हो क्या? ना जमीन पर मारूंगा ना ही पानी में गुरुजी। अगर आप आज्ञा दे तो आकाश में ले जाकर मारूंगा। भाषा या प्रांत इस विद्या से अनभिज्ञ नहीं है। बिना किसी हथियार के ये एक साथ 100 लोगों को मार सकती है। हमने जो विद्या सीखी है, हमने जो विद्या सीखी है उसे हम अपने परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्षेत्र धर्म के लिए, पवित्रता के लिए हम अपनी जान लगाएंगे। हम अपने धर्म की पूजा करेंगे और दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे। हमारे धर्म की पूजा करेंगे और दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे। क्षेत्र पालक का काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र को खुद चुन लें। राम तीर्थ
काशी गुरुजी। सीताराम। अमरनाथ गुरुजी। बद्री। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आदि मंदिर है। साक्षात श्री हरि विष्णु ने पहली बार इस धरती पर जहां अपने पांव रखे थे। ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र की जन्मस्थली। हरि बोल, हरि बोल।
कीजिए, कुछ कीजिए ना। ये जंगल है, यहाँ पेड़ होते हैं, सिग्नल्स नहीं होते हैं। कहा था ना दाऊजी को बद्रीनाथ में ले जाओ, बलोरी में रहने दो, नहीं सुनेंगे। अब यहाँ से बॉडी ले जाना भी बहुत मुश्किल है। शट अप, नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। Encoded by Ashish K 24777. ये कौन है? क्या हुआ इन्हें? दादाजी अचानक से बेहोश हो गए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहे हो तुम? पहले ही दादाजी को लंग्स प्रॉब्लम है और तुम मिर्ची लगा रहे हो। चुप रहो, ये नारायण पहाड़ की मिट्टी है, इसके कण कण में श्री हरि विष्णु रहते हैं। थोड़ा हट जाइए, जगह दीजिए। अरे बद्री, इधर आओ। हे बद्री, काट डाल इसे। स्वामी जी, मेरी पोती भगवान को बिल्कुल नहीं मानती है, उसे बोल दीजिए कि वो मेरी पोती को न मारे प्लीज। उस लड़की को बचाओ, जाओ बचाओ। दिस मूवी इज डाउनलोडेड फ्रॉम xfce.com। बद्री जी, गुरुजी, भगवान को न मानने वाली ये लड़की बद्रीनाथ क्षेत्र में नहीं रह सकती, भेज दो इसे। और एक दिया बुझाने के लिए दंड के रूप में इसे 1,00,000 दिए जलाने होंगे। 1,00,000? हाय దేవుడు నోరుచ్చింది ఆకలిస్తే తినడానికి, నిద్ర వస్తే ఆవులించడానికి, అంతేగాని ఇలా గుళ్ళో దీపాలు ఆర్పడానికి కాదు. కూడా ఏంటి ఆ కచేరి బ్యాచ్? పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఒక్కదానికే. అమ్మా, ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉంది, ఒక్కడే ఆడగా, 5-star హోటల్లో వంట ఉంది, ఒక్కడే చేయడుగా, అంతెందుకు మన గుళ్ళో పూజలు ఉన్నాయి, ఒక్క పూజారే చేయడుగా, ఓ 10-15 మంది చేస్తారుగా. ఏమ్మా అలా చూస్తున్నావంటమ్మా? నేను ఎత్తి నదిలో పడేస్తే కాపాడడానికి ఒక్కళ్ళు వస్తారా, 10-15 మంది వస్తారా? అమ్మా, నువ్వు ఒక్కదానేనంట, తొందరగా వెలిగించి వెళ్ళిపోదాం. వెలిగిస్తున్నానుగా. ఆరిపోయింది. ఎలా అయితే ఎప్పుడు కవుద్ది? ఏమయ్యా,
एक दिया बुझाने के लिए एक जलाव कह सकते हैं, 10-15 भी कह सकते हैं, 100 जलाव भी कह सकते हैं, लेकिन ये लाख दिया बुझाने की बात कहां से आ गई? अरे मनमानी है क्या? चुप। देखो, भक्ति से जलाओगी तो चलेंगे, और अगर दिल में भक्ति नहीं है तो ऐसे ही बुझ जाएंगे। भक्ति से कैसे जलाएंगे? तीली से जलाते हैं। नहीं जलेंगे, ओम नमो नारायणा या ये अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओ, तब जलेंगे। क्या कहा? जलाना ही तो एक पनिशमेंट है, उसके साथ 1,00,000 बार मंत्र पढ़ेगी, और वो भी ये लड़की? यही लड़की। ये नहीं हो सकता। मैं चलाऊंगा, देखो। बेटी, इससे तो काम बन जाएगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हा? सुनो सुनो, एक बात सुनो, काम बन जाएगा इससे। ओम नमो नारायणाय। Encoded by Ashish K247. उसे मत उठाओ बेटा, कम से कम एक दिन तो उसे भगवान के सानिध्य में रहने दो। क्यों सर, इस लड़की को भगवान से इतनी नाराजगी क्यों? बचपन में एक दिन जब हवन में कपूर डालते समय उसकी माँ ये रक्षा पहनोगी तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। समक्ष अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप की मौत को देखकर अलकनंदा को भगवान से नफरत हो गई। फिर क्यों सर, भगवान से नफरत करने वाली को यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है बेटा। सरकार आ रहे हैं। माँ, अभी तक जिनको पिताजी ने मारा है या जो पिताजी के लिए मारे हैं उन सब में इसको शामिल कर दिया जाए तो 18 हो गए। सरकार दिल्ली में है, ये काम होने के बाद आकर मिलो। ठीक है माँ जी। बहुत देर हो गई है, इनका अंतिम संस्कार करो। माँ जी एक मिनट, मेरे पति जब मरने वाले थे तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, एक बड़ा आदमी आके तुलसी का पान नहीं देता तब तक उसे जलाना नहीं, ऐसा डायरी में लिखा था, मैंने फोन किया है आते ही होंगे। कौन है वो बड़ा आदमी? जीडी नायडू जी। दादाजी की तबीयत खराब है इसीलिए मैं आई हूँ। एक बार वो तुलसी का पान उनके मुंह में डालिए ना। क्यों, वो पानी डालने से जिंदा हो जाएंगे? ये सब नाटक मुझे पसंद नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। मैं कौन हूँ तुझे मालूम है? होने वाली सांस के साथ साथ इस राज्य को शासित करने वाली सरकार की बीवी हूँ। एक बार मुझे अपनी जिंदगी को संवारने का मौका तो दो। मुझे सासू माँ कहकर
अपने मरे हुए पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचाओ। सैकड़ों लोगों को जान देने वाले एक जमींदार की बेटी हूँ ये ना कह के, सैकड़ों की जान लेने वाले गुंडे की पत्नी हूँ ऐसा कहने में शर्म नहीं आ रही आपको? जो इंसान शादी के मंडप से भागकर अपने पिता का अपमान कर सकता है वो दूसरों को मान क्या देगा? आप जैसे लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहती मैं, इस वक्त भी आपसे बात करते हुए इरिटेटेड फील कर रही हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मेरे मुंह से सासुमा कहलवाना नामुमकिन है। This movie is downloaded from xfi.com. Hey, चलो, हट। Hey, कौन हो तुम लोग? और ये सब क्या है? ये पुटे, पता है ना मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं पता है ना? मेरी माँ बहुत जिद्दी है, उसका इकलौता बेटा हूँ मैं। मेरी माँ ने एक दिन मुझे ये कहा था कि तेरी जायदाद और तेरी इज्जत को अपनी बनाना है। जैसे मेरी माँ जिद्दी है वैसे मेरा बाप, और उन दोनों की तरह मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तेरी बेटी ने हमारा बहुत अपमान किया है, मैं तो वही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन उस समय मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। पर एक ने एक दिन मैं उसे जरूर मारूंगा, मार डालूंगा उसे। मैं और कितने दिन जीऊंगा ये मैं नहीं जानता। उसे धन संपत्ति दे सकता हूँ लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने ही इधर आया हूँ मैं। भगवान के प्रति उसके दिल में विश्वास जगाना तुम्हारा काम है बेटा। सर आप भूल जाइए, ये मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है। 7 दिन 7 ही दिनों में अलकनंदा से बद्रीनाथ का नमन करवाऊंगा। तुम क्या करवाओगे? 7 मिनट में हम यहाँ से जा रहे हैं। आइए दादाजी। रुको बेटी, परसों पूर्णिमा है, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई थी उस दिन यहाँ ब्रह्म कपाल में एक बार पिंड प्रदान करेंगे तो जिंदगी भर नहीं करनी पड़ेगी और उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। दादाजी बात मान लो बेटी। ठीक है, मम्मी पापा की वजह से मैं यहाँ रुक रही हूँ, लेकिन इसका चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नामुमकिन, बद्रीनाथ में इस बद्री से कोई स्किप नहीं कर सकता। इस वसुधारा के पास मेरे सामने हर कोई सर झुका के ही बात करता है, सीएम हो पीएम हो सर झुका के ही बात करता है। अच्छा आप इतने बड़े हैं? मैं कितना बड़ा हूँ आके एल्बम देख तब पता चलेगा। बापरे, ऐसा लगता है मन में गाली दे रहे हो। बोलूंगा तो दिल पे लगेगा। मंदिर स्टेचू बैठा था इस काम के लिए इतना ज्यादा मिलना। अरे हमारा काम तुझे चीप लगता है? पर आप इतना वायलेंट क्यों हो रहे हैं जी? सुनो, मुझे आधा टकला क्यों छोड़ दिया? बाकी आधा ये करेगा। अपने सर की कसम कह रहा मुझे शेविंग बिल्कुल भी नहीं आती है। आज इसको करो कल खुद करना। ये लो शेव करो। अरे देखना मुझे खून निकल रहा है। कटेगा तो खून नहीं तो क्या पानी निकलेगा? जाके डॉक्टर को दिखाओ, बाकी उसे काटने को बोलो। नहीं काटेगा तो मैं काटूंगा। चलो जाओ बैठो तुम। मैं क्यों जी? मुंडन करने के लिए। मन्नत के लिए तिरुपति में या मोक्ष के लिए काशी में मुंडन करवाते हैं, यहाँ क्यों जी? मैं किसी से भी फ्री में पैसे नहीं लेता। पर आप पैसा लेते क्यों है? तू सीधे सीधे मुंडन करवाएगा कि नहीं? नहीं दिया तो गाँव के बाहर नहीं जा पाएगा। निकाल, तेरी जेब खाली करेगा लगता है। ये लो भाई, ये तो 800 ही है। मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूँ तो गलती से 1200 नहीं दे सकता है? हर टूरिस्ट प्लेस में ऐसे चोरू चक्के भरे रहते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, इसने कैश दे दिया। कैश लिया बस, ये ले जा। थैंक यू जी। ठीक है। क्या बद्री, बाल काटो। जेब नहीं। ठीक है बद्री, टाइम पे आ जाता है। गोली बाबा। हाँ बद्री, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। इनकोडिंग बाय शिशु 24/7। देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, भगवान को ना मानने वाले लुच्चे लफंगे और 420 देव वारस कोई भी उस वसुधरा के नीचे नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे तो क्या होगा?
वसुधरा उन पर नहीं गिरेगी, पीछे चली जाएगी। पानी को यह कैसे पता चलेगा? यहाँ की प्रकृति को पापियों को पहचानने की पावर है। ओ, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हा? इसलिए कहता हूँ मत जाओ। मैं जाऊँगा, देखता हूँ वो मेरे ऊपर कैसे नहीं गिरता है। ठीक है हाँ जाओ। बड़ा आया बोलने वाला, पानी पीछे जाएगा बोलता है, नहीं जा रहा है ना। अरे ये तो नहीं जा रहा। ये हैवान है, निकालो इसे। क्या शर्म और बदतमीज कहीं से, तुम इतनी सी भी शर्म नहीं है जो ऐसे पवित्र स्थान पर आए हो? अरे ये कौन नास्तिक है, इसे बद्रीनाथ से निकालो। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं क्या इतना बेशरम हूँ। वैसे मैंने कई वेस्ट फेलो देखे हैं, लेकिन तुम इतना वेस्ट कैसे हो? एकदम पानी गायब हो गया, कौन सा काम है तुम्हारा? अब इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, पहले उसे नीचे तो लाने दीजिए। अरे बाप रे, लगता है ये साधु लोग मारेंगे मुझे। क्यों भाई, ये तो बहुत डेंजर है ना, अपने नेताओं को यहाँ पर लाके खड़ा करो तो सब के सब पकड़े जाएंगे। इसलिए बोला था मत जाओ, अब जाइए। नहीं ताऊजी, रिस्क मत लीजिए। अब चुप, आप जाइए। सुनो, तुम किसी भी हालत में जोश में आकर उसके नीचे मत जाना, नहीं तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। सुनो मेरी बात सुनो, मैं तो किसी तरह वापस आ भी गया, तुम अगर जाओगी तो वापस नहीं आ पाओगी। वर्स्ट फेलो होकर भी करेक्ट बोला है, 100 जन्म लेने के बाद भी तेरे ऊपर एक बूंद नहीं गिरेगी। ए, वो मेरे ऊपर क्या गिरेगी, मैं उसे अपने ऊपर नहीं गिरने दूंगी। क्या है ये, पिकनिक के लिए आया और पिंड बोल रहे हैं, मैं बोर हो रही हूँ। गेम स्टार्ट करें क्या? और 5 लोग चाहिए, हम क्रिकेट खेलने आए हैं। तो आप क्या करेंगे? वेट, 5 मिनट में सेट कर दूंगी, देखना। वो रहे बलि के बकरे। हे गाइस, क्यों बुलाया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। वेद पाठशाला से मठ आ रहे हैं। और ये कौन सी बुक है? हाँ, इस दुनिया की सारी बातें इसमें है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है, इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो मैं नहीं जानता। आहा, तो तुम्हें सब बातें मालूम है क्या? मालूम है। ओहो, तो मैं सिर्फ 3 सवाल करूँगी, जवाब दोगे तुम? पूछो पूछो। रजनीकांत कौन है? रजनीकांत क्या है? अच्छा, ये रजनीकांत कौन है, हमारे गुरुजी ने नहीं बताया, तुम जानते हो क्या? मालूम नहीं। मालूम नहीं क्या? सूर्यकांत है, चंद्रकांत है, लेकिन आपने जो पूछा रजनीकांत इसमें नहीं है। देखा, उस बुक में ये जवाब है ही नहीं। ठीक है ठीक है, असल में वो है कौन? रजनीकांत बोले तो तमिल सुपरस्टार। अच्छा अच्छा, वो मैं जानता हूँ। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम चिरंजीवी के बारे में जानते हो क्या? चिरंजीवी? क्या बात कर रही हो बालिका तुम, इस दुनिया में चिरंजीवी को ना जानने वाला कोई रहेगा? मेगा स्टार कभी बद्रीनाथ आया था क्या? पता नहीं। चिरंजीवी के बारे में इस वेद में लिखा है क्या? है। हनुमान के बारे में इस वेद में क्या, पूरे जगत में है। ओह, तुम उस चिरंजीवी के बारे में बोल रहे हो? हाँ। मैंने उसके बारे में नहीं पूछा, मैं तो मेगा स्टार चिरंजीवी के बारे में पूछ रही थी। आप ये स्टार के बारे में पूछेंगे तो मैं नहीं जानता, दूसरा कुछ पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तुम्हें धनाधन धोनी के बारे में मालूम है क्या? हमें बगैर धोती के ये धोनी सब मालूम नहीं। तो मैं बता देती हूँ, वो क्रिकेट प्लेयर है, पिछले वनडे मैच में हमें वर्ल्ड कप दिलाया था। ये वर्ल्ड कप क्या है, क्रिकेट क्या है? श्री हरि विष्णु के प्रिय क्रिकेट खेल को नहीं जानते? श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल? हाँ, वो 3 तिलक है और ये 3 विकेट। कैसे खेलना है ये खेल? सिंपल, उस सेंटर के तिलक को लगेगा तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, और अगर बाजू वाले को लगा तो त्रिशंकु स्वर्ग में जाएंगे। जय श्री बन्नारायण। रुको रुको, साक्षात श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल है, ये पत्थरों से नहीं मारना चाहिए तुम्हें। फिर किससे मारना है? इससे मारना है। ये क्या है जी? लड्डू।
लड्डू, ये ऐसा क्यों है? साल भर धूप में सुखाएंगे तो ऐसा बनेगा। डायरेक्टली स्वर्ग में। अब डालो। जय शिवन्नाय। This movie is downloaded from xtc.com. मजाक और संस्कृति के बीच का फर्क भी नहीं पता तुम्हें? छी। स्वाधिष्ठिते पिता नमस्ते अस्तु मा माहि गुंसि। अपने पिताजी का नाम बोलिए। जिनकी मृत्यु हुई वो मेरे पिताजी नहीं, मेरे बेटा और बहू हैं। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पिंड देना होता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार पिता बेटे को पिंड नहीं दे सकता। तो फिर मैं अपने माता पिता के लिए करूँगी। औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति ये पिंड दे सकते हैं। ना हुआ हो तो? आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। आप कर दीजिए। नहीं पंडित जी, मेरे गांव के पंडित ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, तो पिंडदान कैसे कर सकता हूँ? वैसे पंडित जी, अनाथों का भी तो पिंडदान होता होगा ना, उन्हीं से करवा लीजिए, 2-4 हजार दे दूंगा। यहाँ पैसे के लिए कोई पिंड नहीं देता। ऐसा क्यों है दादाजी? क्या मैं अपने माँ बाप के लिए पिंड प्रदान नहीं कर सकती? अब मैं चलता हूँ। खैरिये राहुल जी, बैठिए, मैं करूंगा। ये क्या बद्री? नित्यमु बद्रीनाथ की पूजल चेसे चेतुल तो एवरो अनाथुलकी नू पिंडम पेटन वेंट्रा। बद्री, गलत क्या है राहुल जी? रीति रिवाज होते हैं अच्छे काम करने के लिए, रोकने के लिए नहीं। किसी भी धर्म में शव को भगवान मानते हैं, लेकिन केवल हम में ही शव को देखने से ही अपशकुन हो जाता है। शव शिव के समान है। अलकनंदा के माता पिता की मंदिर में ही मृत्यु हो गई थी। ऐसे लोगों को पिंड प्रदान करने से कोई अपशकुन नहीं होगा। आप शुरू कीजिए। किसको नमन कर रही हो बेटा, बद्री को या बद्रीनाथ को? बद्री को ही। दो लोगों ने अमरनाथ मंदिर पर वार किया है। उनका कहना है कि जेल में रखे गए उनके लोगों को अगर ना छोड़ा जाए तो वो सब भक्तों को मार देंगे। अमरनाथ क्षेत्रपालक को मार दिया गया है। This movie is brought to you by K24/7. पांच मिनट का समय दे रहा हूँ, छठे मिनट में तुम यहाँ नहीं रहोगे। Who are you to give me time? One. Conditions हम लोग तय करेंगे, तुम नहीं। Two. हम भागने वाले नहीं, भगाने वाले हैं। Three. एक एक को मार डालूंगा, सभी भक्तों को मारूंगा। Four. Five. Okay, five. अब क्या? Oh, my God.
तुम्हें भी मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हथियार है वज्र का हथियार कौतुक
encoded by a K24777. ये क्या वसुधारा? 100 जन्म लूंगी तो भी एक बूंद भी मेरे ऊपर नहीं गिरेगी, ऐसा कहा था बद्री ने। अब मुझे उसी से प्यार हो गया है, मेरे मन में वो बस गया है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे ऊपर गिरो ना। ये नहीं गिरेगा, वसुधारा भी नहीं गिरेगी और बद्री भी नहीं। क्यों, मुझ में क्या कमी है? उस बद्रीनाथ पर भक्ति कम है। जब से उससे प्यार हो गया है उसकी पसंद अब मेरी पसंद है, अब बद्री भी पसंद है और बद्रीनाथ भी पसंद है। ओहो। 7 दिन में नमन करूंगी, ऐसा उसने मेरे दादाजी से कहा था। 7 ही मिनट में उस मंदिर में आकर जैसे वो चाहता है मैं नमन करूंगी। कह दो उससे। बहुत अच्छी बात कह रही हो।
जय प्रभु। अरे लड़की देख नहीं सकती क्या? इतनी भी क्या जल्दी है? आप तो देख सकती थी ना। देखो तो कितने घमंड से बात कर रही है लड़की। ये पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, इनकी आंखें जमीन पर नहीं होती, सिर्फ गहनों पर होती है। क्या अरे लड़की, तेरे बाप से बोल के तेरी चमड़ी भी सोने की बनवा ली होती तो अच्छा होता ना। जरूरत पड़ेगी तो वो भी बनवा लूंगी। क्या है? ज्यादा बोली ना, दिखाती हूँ तुझे। क्या झगड़ा है? देखो तो ये टपोरी लड़की टक्कर लगा के घमंड से बात कर रही है। मुझे टपोरी बोलती है? देखो बेटी, ये कौन है जानती हो? बद्री के माँ बाप। हाँ मारो। क्या रे, ऐसा क्या हो गया? इसे क्या समझ रही हो? बद्री से प्यार करने वाली लड़की आपकी होने वाली बहू, आप गाली दो। नमस्ते सासू माँ। दीदी को तो कितनी संस्कारी लड़की है, नमस्कार कर रही है। वैसे मैं बोल देती हूँ, पैसे वाले घमंडी नहीं होते। अच्छा, वैसे कितना रहेगा इसके पास? 1000 करोड़। 1000 करोड़ बोलते ही पुतला बन गई। तो 1000 करोड़ मतलब कितने हुए? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे रे, धूप पे खड़ी है। क्या कर रही हो? जी थोड़ा सा बड़ा ला सकते थी ना। आओ बेटी, हम जैसे पैसे वालों को धूप में नहीं खड़ा होना चाहिए। हम जैसे? हम पैसे वाले हैं ना। पैसे वाले बन गए क्या? फिर बन गए ना। हाँ सासू माँ। सुनिए जी, बड़े आदमी ने इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया, अब तो समझ में आ गया है ना। क्यों जी? इनकी शादी के बारे में बात करनी है। ऐसा क्या? चलो चलो लाडली, तू बहुत है। अब क्या इरादा है? बद्री उधर जाओगी तो लव मैरिज होगी नहीं कह नहीं सकते, पर इधर जाओगी तो अरेंज मैरिज जरूर होगी। है ना? ना। देखो तो मेरी बहू कैसे चमक रही है। हाँ हाँ। आ जा, मैं यहीं से सुनूंगी, आप जाइए, जल्दी जाइए। नमस्कार स्वामी। नमस्कार। आओ गोविंद। आपने अति शीघ्र आने को कहा था। तुम्हारे बेटे के बारे में एक निर्णय लिया है मैंने, उसी विषय में बात करनी थी। बोला था शादी की बात होगी। क्या है स्वामी जी? वो अमरनाथ क्षेत्र और उसके भक्तों को बचाकर बद्री ने मेरा नाम रोशन किया है। वो आपका शिष्य है स्वामी जी। मेरी प्राचीन विद्याओं को सिर्फ तुम्हारा बेटा ही आगे ले जा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे बाद तक्षशिला का वारिस वो बने। जैसी आपकी आज्ञा, आप ही का बेटा है। पर उसके लिए एक नियम है, जो मेरा वारिस बनेगा उसे आजन्म ब्रह्मचारी रहना होगा। मेरा बेटा शादी नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी तक्षशिला के संप्रदाय की रक्षा करने के लिए मैं, मेरे गुरु और उनके गुरु हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। आप उसके माँ बाप हैं, इसलिए आपकी सहमति चाहिए। आप सोच कर बताइएगा। क्या है जी, उनको बोल दो हमें पीठ और मठों की जरूरत नहीं है। उस लड़की को देखो कितनी दुखी है वो। इस समय हमें उस लड़की के बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचना है। शादी करना, बच्चे पैदा करना इंसान ही नहीं पशु भी करते हैं, लेकिन तक्षशिला का वारिस बनना, ये मौका करोड़ों में एक को मिलता है। हमें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं। आपको इसे मन से स्वीकार करना होगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हमें मंजूर है स्वामी जी। साहब एक बार मेरे बेटे से पूछ के। वो मेरा शिष्य है, मेरी बात नहीं टालेगा। अलकनंदा, ये
क्या अलकनंदा, तुमने कहा था नमन करोगी, कैसे करोगी? हाथ जोड़ के करोगी, पूरा लेट के करोगी, या करवट लेकर करोगी? कैसे भी नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी। ये क्या, पहले तो बोली थी करूंगी? हाँ तब कहा था, अब नहीं करना। अब तुम्हें क्या हो गया? मैंने जिससे प्यार किया वो मुझसे दूर जा रहा है। वो कौन है बताओ? तुम्हारी शादी करवा देता हूँ उससे। मेरे प्रेमी कराओ। छोड़ो, तुम ही नहीं बद्रीनाथ भी कुछ नहीं कर सकते। इस बद्रीनाथ क्षेत्र के बारे में तुम्हें क्या पता? कल अखंड ज्योति जलाकर 6 महीने तक इस मंदिर के दरवाजे बंद करने का पुण्य दिवस है। इन 6 महीनों तक यह मंदिर बर्फ से ढका रहेगा, फिर 6 महीने के बाद इस मंदिर के दरवाजे खुलेंगे, तभी वो अखंड ज्योति ऐसी ही चलती रहेगी। ये सच है? सच है। पृथ्वी पर भगवान के अस्तित्व का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं। इससे महान क्षेत्र इस दुनिया में और कहीं नहीं। कल अखंड ज्योति को देखकर तुम्हारे मन की इच्छा मांगो, 6 महीने के बाद फिर से आकर उस ज्योति के दर्शन करना। तुम जिसे चाहती हो उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। सच में? हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। उस बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कमल रखकर ही तुम्हें वो इच्छा मांगनी है। कहाँ मिलेगा वो फूल? आओ मेरे साथ चलो। नमस्ते सरकार। क्या रीजन है, बड़े परेशान दिख रहे हो। हमारे घर की लड़की को हमारे ऑपोजिशन पार्टी के नेता उठाकर ले गए हैं सरकार। वो जिंदा नहीं जाना चाहिए। इसमें 50 करोड़ रुपए हैं सर। मुन्ना, सॉरी मिनिस्टर, लैंड सेटलमेंट करने के लिए कहा था, किया। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को मारने के लिए कहा था, मारा। पावर को बदलने के लिए कहा था, बदला। लेकिन तुम जितने भी करोड़ दे दो, प्यार के सिलसिले में मैं नहीं आऊंगा। नमस्ते साहब। तुम्हारे पति की मैयत में नहीं आ पाया, सॉरी। तेरा नाम? हाँ, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अस्थि को आंध्र प्रदेश में विसर्जन करना चाहती हो या इलाहाबाद में विसर्जन करना चाहती हो? इनकी मौत की वजह से ही आपकी पत्नी का अपमान हुआ था। क्या हुआ? जो इंसान शादी के मंडप से भागकर अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो दूसरों को मान क्या देगा? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मेरे मुंह से सासू माँ कहलवाना नामुमकिन है। उसे मार दूँ क्या? उसे मारने के लिए तेरी राह देखने की जरूरत क्या है सरकार? अगर उसे रोकती नहीं तो मेरा बेटा उसे मार देगा। जिस तरीके से उसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे घर में रहकर उसकी सजा वो जीवन भर भुगतेगी और वो पछताएगी। मेरा बेटा उसके गले में मंगलसूत्र बांधेगा। यही मेरी पहली इच्छा है और आखिरी भी। वो है कहाँ? नमस्ते सर। अलकनंदा कहाँ है? यहाँ बद्रीनाथ में एक बद्री नाम का लड़का है, अपनी अलका उससे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम। मतलब? हमारी अलका उनसे प्रेम करती है। कौन है वो? उसके बारे में ज्यादा जानना है तो 15 नवंबर के सारे चैनल के टेलीकास्ट और न्यूज़पेपर देखे, सिर्फ वही देखेगा। चौबीस घंटों के अंदर वो इधर होना चाहिए। मुन्ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? गुंडागर्दी, राजनीति, पैसा? नहीं, प्यार। अब तक हमने जितने भी मर्डर्स किए हैं, जायदाद के लिए, अधिकार के लिए किए हैं, लेकिन पहली बार प्यार को छू रहे हैं। प्यार कितना ताकतवर है जानते हो? देश, राज्य सब बर्बाद हो गए। बद्री को काटो, मरा है या नहीं 3 बार देखकर कंफर्म करो। शरीर को देख के नहीं,
सांसों को देख करके। अगर वो जिंदा बचा तो लखनंदा को लेकर मत आओ, जाओ। ठीक है पापा। बद्री, यह एनिमल्स रहते हैं क्या? हाथी रहता है। वैसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे कहने पे चले जाते हैं ना? मेरे बोलने से चले जाने के लिए मंदिर के हाथी नहीं है, जंगली हाथी है। क्या? क्या नहीं, बकवास मत करो, चलो संभाल के। अगर स्लिप हो जाओगी तो मुंह में दांत नहीं रहेंगे। बद्री, बद्री, रुको। मुझे डर नहीं है, पकड़ने के लिए तुम हो ना। क्या यार, ये पुल को इधर ही खेलना था, टॉर्चर जैसा है। टॉर्चर यहाँ नहीं, और आगे चलो। इससे बड़ा टॉर्चर मुझसे नहीं होगा बाबा। जल्दी आओ बद्री, चलो। अभी से थक गई क्या? स्टैमिना रखो थोड़ा, स्टैमिना। क्या स्टैमिना? बचपन से मैं बिना कार के नहीं घूमी, बिना शूज के चली नहीं, बिना स्पून के खाना भी नहीं खाया, और तुम मुझे पूरा जंगल घुमा रहे हो, मुझसे नहीं होगा। तब तो तुम्हारी लव स्टोरी फेल समझो, तुम्हें तुम्हारा लवर नहीं मिलेगा। मिस्टर बद्री, क्या हुआ? क्या हुआ, अभी से थक गए क्या? स्टैमिना कहाँ गया? स्टैमिना? जाना उस तरफ नहीं, इस तरफ है। हाँ, इसका लवर जो भी है मर जाएगा। संभाल के, यहाँ पर सांप है। मतलब अभी? ओए राजी। हाँ बद्री, वहाँ ब्रह्म कमल है क्या? वहाँ नहीं है रे, उधर नीलकंठ पहाड़ के उस पार जाना पड़ेगा। आज तो एक कम से चलो। हाँ बद्री, एक आइडिया है, उसके हाथ का पुल मुझे देने को बोलो, मैं अपने हाथों से लगाऊंगी, कैसा रहेगा? भूख लगी तो तुम खाओगी या तुम्हारे बाजू वाले खाएंगे? हा? प्यार तुमने किया है, शादी तुम्हें करनी है, फूल तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें ही लगाना है, चलो। वो देखो, वो है ब्रह्म कमल। संभाल के, वो आइस ब्रिज है। सिटी के सीमेंट ब्रिजों से ज्यादा तो ये आइस ब्रिज स्ट्रांग होगा। तुम थोड़ी सी पागल हो, जानती हो? थोड़ी हेल्प करोगे? प्लीज। दिस मूवी इज डाउनलोडेड फ्रॉम xfce.com। ए, घबराओ मत, चलो फिर से ट्राई करो, मैं हेल्प करूंगा। ओके जाओ। कुछ नहीं हुआ है, परवाह नहीं, डरो मत। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बोला ना, फिर क्यों डर रही हो तुम? अब मुझे डर। अगर इस बार फूल नहीं तोड़ा ना तो गिरोगे नहीं? मैं गिरा दूंगा, चलो जाओ। हर कदम पर मुश्किल हो रही है, लगता है तुम्हारे लव में कुछ ना कुछ तो खोट है। बिल्कुल भी नहीं, पता है मेरा प्यार तो सोने से भी खरा है। In the night so young and when the stars are high like a bright sunshine you are my ek tara 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 oh girl yeah in your eyes lies I see my world that glows you like my darling I like the way you looking at me, baby. Hey, Mr. Playboy, showtime, now go to bed. Be with me here and tell me what happened to say. The music is pumping, I could sing all day. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, groove it, move it.
पता नहीं गुरुजी, रात से दिखाई नहीं दे रहा। देखो उसे दर्शन का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो मंदिर बंद हो जाएगा। दादाजी ने शायद इसी खतरे के बारे में कहा था। क्या रे, मंदिर की पहरेदारी करने वाला बेवकूफ तो ही है क्या? बेवकूफ बोल के कदम आगे बढ़ाया तो गर्दन काट दूंगा। अलकनंदा, तुम्हारी शादी तुम्हारे चाहने वाले से हो जाए, इसलिए तुम जाकर ज्योति के दर्शन कर लो। कौन रोकेगा, मैं उसे देख लूंगा। जाओ। Encoded by K24/7. Let's
नहीं जाऊंगी। क्यों? 6 महीने के बाद भी ये मुझे नहीं आने देंगे। तुम मुझसे वादा करो कि तुम दर्शन कराओगे तो ही मैं अंदर जाऊंगी। यही नहीं, इसका बाप, इसका दादा, इसका परदादा, इस शहर में रहने वाला जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा सबको मार के तुम्हें ज्योति के दर्शन करवाऊंगा। ये वादा। अपने फूल पर अपना नाम लिखिए। ज्योति का दर्शन करके आपने जो मन्नतें मांगी हैं, 6 महीने के बाद फिर से इसी ज्योति का दर्शन करके आपकी वो सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। जो माम पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान पशुमान। मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती थी, अब पूरे मन से आप पर विश्वास कर रही हूँ। भीष्म नारायण से बद्री को दूर करके उसे मेरे पति के रूप में दे दो स्वामी। भगवान, तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। बद्री को तक्षशिला का वारिस बना के मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। कोई इंसान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी कमजोरी भगवान है। ಕರ್ಷಣ ಸತ್ಯ ನಿರ್ಘೋಷಣ ವೇದವ ಭೂಷಣ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವ ಪರಿಭೋಷಣ ವಿಭುಧ ಪರಿತೋಷಣ ಚಕ್ರಕರ ಭೂಷಣ ಪದ್ಮಜಲೋಚನ ಪಾಪದಿ ಭೋಚನ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ नाथ आने वाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है।
रुक जाओ और कितना मारो। अरे तू मर चुका है, चलो चलो यहाँ से। अरे चलो चलो भाग। यह क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान यह इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए किसी भी तरह की दुर्घटना को टालने के लिए यह कदम उठाया गया है। छह महीने के बाद तीर्थयात्री फिर से बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। सुपर है। अरे बेटे जूते निकाल ले, घिस जाएंगे बेटा। शूज क्यों निकालने हैं, क्या कह रहे हैं आप? यार देखो सह्याद्री पहाड़ है ये, तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि हम यहाँ नंगे पाँव घूमे चाहे जूते पहन के कोई हमें देखने थोड़ी आ रहा है। पापा है? कपड़े भी निकाल लेते हैं, बेटा के लोगों को क्या पता चलेगा कि हमने कपड़े पहने थे या नहीं। तुम तो कमाल है बेटा। थैंक यू पापा। किधर जा रहे हो? अपने पिताजी की अस्थियों को ब्रह्म कपाल में मिलाने के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ बंद हो गया है, छह महीने के बाद आना। क्या छह महीने बाद आना? अरे भैया हमें आने में ही छह महीने लग गए। देखो चुटकी में मिलाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। वो सब कुछ हमें पता नहीं है, यहाँ छह महीने के लिए बंद हो चुका है, वापस चले जाओ। सुनिए जी, हम वापस नहीं जाएंगे। इस पहाड़ के नीचे एक गांव है ना, वहीं पर लॉज में हम रहते हैं। लॉज का बिल कौन देगा, तेरा बाप? हाँ, मेरे बाप से ही दिलवा दूंगी, वापस जाके फिर नहीं आ सकती। पापा रुक जाते हैं, पैसे तो नाना देंगे, फूड बिल ज्यादा बोल के हम ज्यादा पैसे लेंगे। बेटा तू तो कमाल है बेटा। थैंक यू पापा। चुप हो जाओ, चलो तुम्हारी कंजूसी से एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। बिल देकर पूरा कैश अपने बाप से लेना, उसी भरोसे हम यहाँ से जा रहे हैं। सुनिए पेटा से, फरीद पेटा से ना? हाँ पेटा से, आपको कैसे पता चला? मुझे पता है आप पेटा से हैं। ये आदमी दो जोड़ी जूते छुपाकर इतनी दूर उसे ढूंढने के लिए आया है, आपने इससे शादी करके गलती की है। हाँ ठीक है ठीक है, तू निकल यहाँ से जा। मैं नहीं जाऊँगा, पेटा के लोगों को कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आप पेटा से हैं, मैं पेटा से हूँ, हम सब पेटा से हैं। ठीक है काम करो भाई, एक पलंग के बदले दो पलंग फ्री में देने वाला लॉज ढूंढो, क्योंकि तुम भी पेटा के हो और हम भी पेटा के हैं। लॉज क्यों, मेरे पास ही रहिए, कोटा आश्रम बोल के अपने पेटा वालों के लिए बनवाया है। धन्यवाद, किधर है आश्रम? अरे पागल, आश्रम बोलेंगे फिर पुण्य करने के लिए बोलेंगे और लूट लेंगे, समझा करो तुम। हाँ पापा, कोई चीप लॉज ढूंढेंगे। अरे तू तो कमाल है, चल बेटा। थैंक यू पापा। कोटा आश्रम में सब फ्री है। पापा सब फ्री कह रहा है। देखो छह महीने बाद अगर चंदा मांगने आओगे तो नहीं दूंगा। बेटा वालों से चंदा नहीं मांगते आप। और मांगेंगे तो हम थोड़ी देंगे। करेक्ट बोला बेटा। ठीक है चलो चलो उधर जाना है। ठीक है चलो। ये लोग तो गए। देखिए लखनऊ, सब समझ रहे हैं कि वो मर गया है, पर बद्री अभी भी जिंदा है बेटा। दादाजी उसी बद्री के साथ तुम्हारी शादी होगी। Encoded by Ashish K24/7. मेरी
सुखी भव सुखी भव सुखी भव चिरंजीवी 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 सुखी भव सुखी भव सुखी भव यहाँ से वहाँ तक दोनों ही जहाँ तक जीना तेरे दिन मुश्किल है तू मेरी मोहब्बत तू ही मेरी चाहत तू ही मेरी जान तू ही दिल है आइए सर सारी जिंदगी मेरी पत्नी की बात मानने की खुशकिस्मती हम अलकनंदा को देने के लिए आए हैं पंडित जी हमारे गुरु अलग होते हुए भी आपको यहाँ लेकर क्यों आए हैं पता है आप मुहूर्त निकालेंगे तो बाबूजी को बहुत पसंद आएगा जबरदस्त मुहूर्त निकालिए लड़की की कुंडली के अनुसार उस बद्री क्षेत्र पुनः आरंभ होने का दिन वैशाख शुक्ल षष्ठी का दिन अलौकिक मुहूर्त है लेकिन वो मुहूर्त आपके बाबूजी को पसंद नहीं है क्यों उस मुहूर्त में एक शुभ काम होने वाला था जो हो नहीं पाया कोई परवाह नहीं मेरी शादी न होने की मुहूर्त में अलकनंदा की शादी हो रही है बापूजी ये सुनकर बहुत खुश होंगे वही मुहूर्त फाइनल कीजिए मेरा बेटा कितना महान है ना मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए अलकनंदा के मन में बसे बद्री को इसने मार दिया बनारस से सोने से बनी हुई 1 करोड़ की साड़ी मेरी बहू के लिए लेकर आया है मेरा बेटा बापूजी मेरी बहू का मन बदल कर इसे मंगनी के लिए ले आइए हर दिन खून में सना खाना खाने वाले इस इंसान से मेरी पोते की शादी की बात करके तुमने मेरी बेटी का अपमान किया मैंने इसे कहा था इस औरत को मार डालो पर इसने क्या कहा तुम्हें मालूम है जो औरत मेरी बेटी को पसंद करती हो उसे मैं कभी मार नहीं सकता पिताजी अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी का मौत के घाट उतार देता समझे जब तक तेरे दिल में धड़कन रहेगी ये शादी कभी नहीं होने देगा ना इसीलिए गर्दन काट दिया पंडित जी मुहूर्त बाबूजी को पसंद है Encoded by Ashish K 24/7 सर झुका के खड़े रहने से गलत सही नहीं हो जाएगा सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि उसने गलत किया है हम कभी उनके सामने सर बंद करो भगवान को ना मानने वाली बद्रीनाथ आई तो मंदिर छोड़कर उस लड़की के पीछे घूमने लगा अगर प्यार नहीं है तो क्यों घूम रहा है
मंदिर बंद होने से पहले उस लड़की को ले जाते वक्त गुरुजी के सामने अलकनंदा बोल के चिल्ला रहा था। अगर प्यार नहीं है तो ऐसा बोल के चिल्ला क्यों रहा था? प्यार करता है इसलिए तो सर झुका हुआ है। दरअसल स्वामी जी की गलती क्या है मालूम है? तेरा कुल गोत्र जाने बिना ही तुझ पर भरोसा किया, सैकड़ों शिष्यों के रहते हुए अभी सबको ठुकरा कर तुमको तक्षशिला का वारिस बनाने की सोची। लेकर जाओ अपने बेटे को यहाँ से। मैंने सच में कोई गलती नहीं की है गुरुजी, मेरा यकीन कीजिए। अरे क्या कर रहा है बेटा तू? ये क्या है बेटा? रुक जा बेटा, अरे बेटा रुक जा। तुझे सब कुछ सिखाने वाले ने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया बेटा। गुरुजी, मैं बद्रीनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, अब तक मैंने किसी लड़के से प्यार नहीं किया था, इसके आगे भी प्यार नहीं करूंगा। जो काम आपको मंजूर नहीं, जिस काम से आपको कष्ट होता है, वो काम मैं नहीं करूंगा। मेरा यकीन कीजिए। तुम पर मुझे विश्वास है, उसे बनाए रखो। यहाँ कांटे वगैरह रहते हैं, देख के जरा संभाल के। अरे कितना दिन चलना है, कितनी दूर जाना है? बस समझिए पहुँच गए, वो जो सामने दिख रहा है कोटाश्रम है। आइए आइए। ए चुपके, कौन है? बेटा से दो गाय और एक बछड़ा आया है। गाय बोल रही है क्या? कौन सी गाय है? गाय बोले तो साधु पशु है, वो दूध देती है मगर पीती नहीं ना। पेटा के लोग मतलब बिल्कुल करेक्ट। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? पेटा पेटा क्यों बोल रहा है? पेटा का नाम सुनते ही पागल हो जाता है ये। अरे बंद कर। छोटा मोटा बेटा, पेटा पेटा से आ गया। 25 साल से एक औरत भी नहीं आई, अभी आ गया पेटा। पेटा पेटा पेटा, सुनिए फ्री फ्री बोल के इधर तो लेके आया, पर इसे देखकर पेटा वाला नहीं लग रहा है, पकड़ के लेके जाने वाला लगता है। ऊपर से बदन पे 10 लाख के गहने दिए। सुनो, तुमने एक बार फिगर को बोला और ये बार बार रिपीट करके बोल रहा है। तुम्हारी फीलिंग्स सही है। फीलिंग्स? प्यार, स्वार्थ, क्रोध, दया, नफरत, घमंड, डर, पैसे, गहने, तुम जैसे साधारण लोगों को चाहिए। मौत को सूट ट्रैक में रखकर 500 साल से जीने वाला मेरे जैसे को नहीं। 500 साल? ये देखो, जब विक्रमादित्य मुझसे मिला था तब उसका दिया हुआ हार, इसकी कीमत मार्केट में 50 लाख रहेगा, गिर भी रखेगा तो 40 लाख आएगा। ये ले लो और जाओ, लेकिन मैं 500 साल कैसे जिया उसके बारे में मत पूछो। पूछेंगे तो गलती क्या है, बेटा वाले को उतना तो जानना चाहिए ना। तू कमाल है बेटा, लेकिन स्वामी जी आप दिखने में तो 50 साल के ही लग रहे हैं, फिर आप 500 साल कैसे जिए भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, दिखने में ये चाइना का शुगर पेशेंट लगता है ना, लेकिन झूठ नहीं बोलता। अरे वो आप पेटा बोले तो तुम पेटा से, मैं पेटा से, हम सब पेटा से बोल रहे बेटा। ठीक है, हम सब पेटा वाले अंदर जाएंगे। चलो आओ जी, आओ मोटी भाभी। वो देखिए, गांधी जी के साथ चुपके, मदर टेरेसा के साथ चुपके, नेहरू जी के साथ चुपके। इसमें अजीब क्या है, बहुत से लोगों के पास उनके साथ के फोटो है। वही ना, ये बाल गांधी के साथ चुपके, बाला मदर टेरेसा के साथ चुपके, बाल नेहरू के साथ चुपके। वो बुद्ध से भी मिले थे, लेकिन उस समय फोटोग्राफर नहीं था ना, इसलिए नहीं खिंचवाए। आप कमाल है स्वामी जी, आप तो कमाल है। 500 साल इंसान जिएगा इसका विश्वास नहीं होता, लेकिन देख करके सच लग रहा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? सच कहा। आप इनको देख के शौक हो रहे हैं, इनके गुरु जी 2000 साल से जी रहे हैं। 2000 साल? कोई इंसान 2000 साल भी जी सकता है? क्यों, क्या पेड़ नहीं जी रहे, पहाड़ नहीं जी रहे? इंसान के जीने में क्या है? वही जिंदा नहीं रहे, मुझे भी जिंदा रखा। हाँ जी, ये बात तो है। बैटिंग बाबा 2000 इयर्स। सुनिए, हम उन्हें देख सकते हैं क्या? देखना क्या है, आपको भी जिंदा रहना है तो बोलिए, आपको जिंदा रखेंगे। पापा जिएंगे ना? अरे थोड़ा अकड़े रहो, नहीं तो पैसे खींच लेंगे। अरे वो भी पेटा वालों से पैसे नहीं लेते। कह रहे हैं जिएंगे पापा। फ्री बोले तो जी लेंगे। भाई
अभी आप जाएंगे ना तो बाकी बचा हम लोग पी लेंगे हैं? प्लीज ले। हाँ। Encoded by Ashish K24777. रही हो, अगर इसे मारना होता तो इसे मेरे अपमान के समय ही मारते हम। मैंने ही रोका इसे। मुन्ना, शादी के बाद इसका जरा प्यार से ध्यान रखना। चलो। बच्ची, कैसे हो तुम? बद्री, कैसे हो तुम? हमारे दादाजी को मार के मेरी जबरदस्ती मंगनी करवाई गई। तुम ठीक हो ये जानकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई है। ज्योति दर्शन करने पर मेरे प्यार से ही मेरी शादी होगी, इसी यकीन ने मुझे जिंदा रखा है। मैं बहुत दुखी हूँ। हो सके तो थोड़ा जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। प्यार के लिए रक्तपात करने वाले अपने शिष्य को बद्रीनाथ में कदम नहीं रखने के लिए कहिए ना सर। वो क्यों? टेंपल ट्रस्ट और उत्तराखंड का रूल है सर। शक के आधार पर मेरे शिष्य को अनुमति न देने के लिए बद्री क्षेत्र में मैं नहीं आऊंगा। मुझे छोड़कर वो नहीं जाएगा, उसे छोड़ के मैं नहीं रहूंगा।
कल अखंड ज्योति जलाकर 6 महीने तक इस मंदिर के दरवाजे बंद करने का अत्यंत पुण्य दिवस है। आओ आओ, तुम कहाँ कहाँ लेकर के जा रहे हो? बैटिंग बाबा को बुलाओ। बाबा, बैटिंग बाबा। क्या हुआ, रिप्लाई नहीं आया? आएगा। ए बैटिंग बाबा, मैं चुपके आया। ये क्या, आप बुलाए तो भी रिप्लाई नहीं आया? अभी आएगा। बाबा, बेटा से 2 गाय 1 बछड़ा आया है। आओ अंदर आओ। कमाल है बेटा, तुझे कैसे आया ये आइडिया? सिंपल पापा, ऐसे बुलाने पर सही आएगा। करेक्ट बोला। वाह वाह, सोना गोल्ड। चलो बैटिंग बाबा, चुपके बाबा का नमस्कार। बैटिंग बाबा, बाउंसर बाउंसर। रिस्की, ये जिन, ये रम। ये कौन सा साल है? 2012 स्वामी। अच्छा, अनजाने में मैं 500 सालों से तपस्या कर रहा हूँ। गुड बैटिंग। आप 500 साल से ध्यान में थे? अचरज क्यों हो रहा है? ये ऐसे तपस्या में रहना इनकी आदत है। 2012 के हाइलाइट्स बताऊं स्वामी? जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। बिन लादिन को उड़ाया क्या? उड़ा दिया स्वामी। इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्या? जीता स्वामी। अच्छा तो बताओ, 2010 में जापान को तीरथ भेजने को कहा था, भेजा? भूल हो गई स्वामी। भूल गया? अब जापान कैसा है? सुनामी में बह गया स्वामी। श्राप मत दीजिए स्वामी, श्राप मत दीजिए। तू कुत्ता बन गया। चा चा चा। बाबा आप तो कमाल है, बाबा आप तो कमाल है। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए? हम फरीदपेटा से आए हैं स्वामी जी। अच्छा। हाँ स्वामी जी, उस गांव में मैं 1500 साल पहले अपने बचपन में गया था, अब वो कैसा है? आप पेटा से आए थे? आया था। वो भी 1500 साल पहले? आप 2000 साल से जी रहे हैं, आपने डायनासोर को तो देखा होगा ना? देखना क्या है बेवकूफ, डायनासोर के अंडे को लेकर आमलेट बनाकर खाता था। कभी कभी टीपू सुल्तान आके बोलता था, मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ, मैं उसे गेट आउट कर देता था। टीपू? टीपू टीपू था क्या? वो तो 300 साल पहले ही जन्मा था ना। अरे चुपके, तू जिसे जानता है उस टीपू सुल्तान का 4th जन्म था। अगर नीचे आएगा तो ये फिर से ध्यान में चले जाएंगे, इन्हें आँख खोलने में 5600 साल लगेंगे। अरे नहीं स्वामी जी, मैं मैटर बता दूंगा। इसको बिठाओ क्या? स्वामी जी, हम भी आपके ही जैसे कुछ 100 साल जीना चाहते हैं। दे देंगे जिंदगी। दे दीजिए। अकेला ही है क्या? नहीं नहीं, पूरी फैमिली है, 1000। अच्छा, टोटल फैमिली, फैमिली पैकेज चाहिए। जी स्वामी जी। ठीक है। तुम लोग एक काम करो, सामने देखते हुए उस ज्ञान फलक के सामने बैठो। ठीक है स्वामी। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी बैठो, जल्दी करो। हाँ, मैं जो मंत्र बताऊंगा। जी स्वामी जी। उसका साल के हिसाब से हजारों सालों के लिए जाप करते रहो। जी स्वामी जी। तुम लोगों के मंत्र जपने के समय जी स्वामी जी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारे गहने खींच रहा है। किसी भी हाल में आके नहीं खोलनी है। खोलेंगे तो क्या होगा स्वामी जी? जैसे वो हच कुत्ता बन गया ना, तुम पालतू कुत्ता बन जाओ। नहीं खोलेंगे स्वामी जी, हम नहीं खोलेंगे। सुनो, मत खोलना। आग बंद करो। खाया धोखा, खाया धोखा, खाया धोखा, खाया धोखा, खाया धोखा, खाया धोखा, खाया धोखा। मेरे गहने कोई खींच रहा है। पगली कही थी, जैसा बोले थे वैसा ही होगा ना। खाया धोखा, मेरे गले की चेन कोई खींच रहा है। बाबा ने वही तो बोला था, खाया धोखा, खाया धोखा। 10 लाख
खाया धोखा। मैं तो मेरे हजार सुनिए आंखें खोलूं। फिनिश हो गया तो खोल लो। खाया धोखा खाया धोखा। तो आंखें खोलिए। मेरा पूरा नहीं हुआ अभी। खाया धोखा करके आंखें खोलिए। क्या है? देखिए तो सही। क्या है वो दिखाओ। इंसानों का 100 साल जीना व्यर्थ है। 1000 साल जी के क्या उखाड़ लोगे बेवकूफ हो। बैटिंग बाबा 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 हमारे सब गहने गए और वो चला गया यहाँ से। पापा पोस्ट यहाँ साइन कर लीजिए। अलकनंदा बद्रीनाथ से पार्सल आया है। ये क्या? ये नारायण पर्वत की मिट्टी है। मिट्टी? अरे रुक जाइए रुक जाइए। पैर मत रखिए। इसकी कड़कड़ में श्री हरि विष्णु है। मिट्टी में महाविष्णु है। लगता है पागल हो गई है। संभालो इसको। ये क्या बेटी? हम मुसीबत में हैं और उसने मिट्टी भेजी है। बद्री अभी भी जिंदा है। इसका पता इन्हें नहीं चलना चाहिए। జగదాంబదరి నా వెన్నదిరి కుడి కన్నదిరి లంబదరి భ్రమరాంబదరి నా చెంపదిరి అరచిల్లదిరి నువ్వాదరి నేనాగిదరి నీనారాసలు ముదిరి నీయాదరి పగలాయిదరి రెండిదనిదని చిదిరి అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి ససరిరి గగా బదరి ససరిరి గగా బదరి పలికే మాటేదైనా అది నాకు పాటక చేరి నువ్వు నడిపే మాటేదైనా అది నాకు పల్లకి సారి నువ్వు నిలిచే చోటేదైనా అది నాకు మధుర నగరి నీ చిలిపే పనిదైనా అది నాకు మన్మథలహరి ఏమారది విరహం ఈదరి చివరికి విరహం చెదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదిరి ససరిరి గగా బదిరి ససరిరి గగా బదిరి కడుతున్నా కౌగిలి ప్రహరి కౌగిలి సరిపోవంటూ ముద్దసలే చాలదు అంటూ తెస్తున్నా తేనెయ దారి సోదరి సిగ్గే ఈదరి మధ్య మార్గం కుదిరి అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను పదరి నిన్ను నన్ను కలిపెను పదరి ససరిరి గగా పదరి ససరిరి గగా పదరి అంబదరి జగదాంబదరి నా వెన్నదిరి కుడి కన్నదిరి లంబదరి భ్రమరాంబదరి నా చంపదిరి అరచిల్లదిరి
అదిరి చెదిరి కుదిరి ముదిరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి నిన్ను నన్ను కలిపెను బదరి సససరి రి గాగా బదరి సససరి రి గాగా బదరి टोटल 10 लाख मैं बांट सकता हूँ थ्री एंड हाफ फोर एंड हाफ एक हाफ ज्यादा बोला टू एंड हाफ फोर एंड हाफ एक हाफ 5 एंड हाफ चुप कर रहे ये कोई वाइन शॉप है क्या फुल हाफ क्वार्टर बोलने में लगा ये ले ये तू ये मैं ठीक है और मुझे आ गया तू अरे ये लोग भी आए होंगे तो क्या भाई काशी में बांटा तो वो लोग आ गए थे यहाँ बांट रहे तो तू आ गया दरअसल में हम जैसे क्रिमिनल्स को बर्बाद करने के अलावा तेरी फैमिली को और कोई काम नहीं है एक इंसान को धोखा देना कितना मुश्किल है जानोगे तो ऐसे टाइम पे एंट्री नहीं देंगे अच्छा बोला थैंक यू बकवास बंद करो और उनके गहने उनको दे दे इस हाथ को लेने की आदत है वापस करने की नहीं उनको बोलो ले अपने गहने उठा लो जल्दी निकाल ही ले रहा है जल्दी लो चलो चलो पापा उसकी उंगली की अंगूठी भी ले लो अरे वो उसका है नहीं चुप रहो पापा मुझे देखते जाओ सर उसकी उंगली की अंगूठी भी हमारी है कड़क पूछ के लाग पहनूंगा तो अच्छा होगा ऐसे मेरे गुरुजी ने बोला था इसलिए लगाया है नहीं सर मेरे पापा की कंजूसी से खुश होकर मेरे नाना ने दी है ना? अरे बेटा अरे खड़े झूठ क्यों बोल रहा है गॉड प्रॉमिस सर इट्स माइन सर तू देगा तो सिर्फ अंगूठी जाएगी मैं निकालूंगा तो अंगूठी और उंगली दोनों जाएगी नहीं सर फिंगर को रहने दो रिंग को ले लो रे बिरयानी चलो चलो आते बोले भाई साहब आपका कार्यक्रम खत्म हो गया काशी से भगाया तो इधर आ गए थे यहाँ पर तुम टकरा गए दरअसल हम क्रिमिनल जिए कहाँ पर नीति से रहना है तो कहीं भी रहा जा सकता है लेकिन इस तरह से जीना है तो कहीं नहीं नीति क्या बेटा अरे मॉरल मॉरल अरे लिखो चलने में भलाई है आई नो दैट तेरी जिद को पूरा करने वाली शादी के लिए पहला कार्ड किसके नाम लिखूं हमारे परिवार के जो राजगुरु हैं उन्हीं के नाम पहला कार्ड लिख दीजिए सरकार सरकार क्यों आए हो मेरे बेटे की शादी है गुरुजी इस शादी में मैं नहीं आ सकता ये क्या गुरुजी आपके बिना ये शादी नहीं होने वाली शादी में मैं क्यों आऊं अलकनंदा भाग गई है सर है
सरकार सरकार मुझे क्यों मारा है पापा? उस बद्री को मारने के बाद इसे लाने के लिए बोला था मैंने। मारकर ही लाया था पापा। वो मर चुका है ये कैसे कंफर्म किया? सांस देखकर ही कंफर्म किया था। वो मर गया था? नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। हेड्स ऑफ सरकार, अब समझ आया कि आप यहाँ कैसे शासन कर रहे हैं। इन्हें सासुमा कहकर तो नहीं पुकारा, लेकिन आपको ससुर जी कहने का मन कर रहा है। मेरे मुँह से सासुमा बुलवाएंगे ऐसा आपने वचन दिया था, लेकिन बद्री ने भी मुझे एक वचन दिया है कि वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो जाने से रोक लिया था, लेकिन बद्री को आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। अभी तक मैंने 99 लोगों को मारा था, ये 100वां होगा। उसे मारकर समाधि बनाऊंगा उसकी। सरकार, इस दुनिया में अत्यंत शक्तिशाली क्या है जानते हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं बता देता हूँ। प्यार। नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ, उनकी ताकत को आजमाने की कोशिश मत करो, बर्बाद हो जाओगी। जुबान चलाती है। बिल्कुल भगवान को ना मानने वाली लड़की को बद्रीनाथ के ऊपर विश्वास क्यों दिलाया? उसे तुम पर विश्वास हो गया है, तुम आओगे ये समझ के राह देख रही है अलकनंदा। मुसीबत में फंसी उस लड़की को तुमने मिट्टी या माला क्यों भेजी? अल्लाह हो, आदि शंकर हो, ईसा मसीह हो, भगवान हमेशा इंसान के रूप में ही आता है। बद्री, तुम नहीं जाओगे तो उसका बद्रीनाथ से विश्वास उठ जाएगा, उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। तुम नहीं जाओगे तो उसका बद्रीनाथ से विश्वास उठ जाएगा, उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। तुम पर मुझे विश्वास है, उसे कभी मत भूलना। जल्दी। जी साहब। मंदिर का दरवाजा परसों ही खुलेंगे। हाँ। तुलसीदास कहाँ है? हमारे गुरुजी की गैर हाजिरी में ये सब क्या है? गए, बद्री कहाँ है? ए, अलक नंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है वो। तुम्हारे सब लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। अगर हमारे बद्री से टकराओगे तो सब राख हो जाओगे तुम्हारे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, अब तक हमारा कोई भी दुश्मन बेलारी में कदम रख के जिंदा वापस नहीं आया है। उस बद्री को भी नहीं आना चाहिए, उसका कदम भी नहीं पड़ना चाहिए वहाँ। पड़ताल तक भी नहीं। अब तक तो मैंने सिर्फ एक ही सर काटा है, जिद पे अड़े रहोगे तो सबके सर काट दूंगा। भक्त को भगवान के पास लेके जाने के लिए आया हो, रोकने की कोशिश मत करना। भगवान और भक्त को प्रसन्न करने के लिए अलकनंदा कोई दरबार अगरबत्ती नहीं है, इसकी बीवी है वो। ए, तेरे साथ बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। भगवान के काम में रुकावट मत बन, बलि चढ़ जाएगा। क्या रे, मेरे गांव में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। काट डालो इसको।
जा रही हो ऊपर चलो। मास्टर म्यूजिक क्यों बन गया?
देख क्या रहे हैं स्वामी जी, ये तक्षला नहीं जल रहा, ये आपका उसके ऊपर रखा हुआ विश्वास जल रहा है। हमारे गांव तो भर जाएंगे, इस तक्षला को भी फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म की रक्षा करने के लिए उपयुक्त तो होने वाला हथियार वो लड़की के प्यार में पागल होकर चला गया। हेलो, जयपुर से बोल रहे हैं, हमें 20 lakhs 40 hands 35 foot अर्जेंटली चाहिए। जैसे सुनामी के आने से चारों तरफ तबाही फैल जाती है, ऐसे ही एक आदमी ने कल हमारे लोगों को काट डाला है। एड्रेस एसएमएस कर रहा हूँ, पार्सल कर दीजिए। सरकार सरकार सरकार, पूरा घर हॉस्पिटल बन गया सरकार। आपकी कुंडली अच्छी थी कि आप यहाँ पर नहीं थे, नहीं तो आपको भी जयपुर का कोई लेग या हैंड लगाना पड़ता। आप कहते थे ना प्यार करने वालों को मत छूना, प्यार करने वालों को छूओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। देखिए ना, सच में फट गया है। मैं काटूंगा उसे। छूना मत। इस राष्ट्र में पैसे वालों के घर पैदा हुई थी मैं। जितने भी बड़े रिश्ते आए थे सबको ठुकरा कर तुमसे शादी की थी मैंने, और वो भी भाग कर। जानते हो क्यों? क्योंकि बचपन से मुझे ये सब बहुत पसंद है। आज से 20 साल पहले स्टूडेंट्स को तुम शासित करते थे, आज स्टेट लेवल तक पहुंच गए हो, लेकिन क्या फायदा हुआ? अपने बेटे की हालत देखकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए सरकार। लगता है तुम्हारे बस का नहीं है। उस बद्री की वजह से हमारा बेटा पिटकर इस हालत में पहुंच गया है। मेरे बेटे की आंख खुलने से पहले उस बद्री की आंख बंद होनी चाहिए। अलकनंदा मेरे बेटे के पैरों के पास होनी चाहिए। जाओ। याद की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने, इस क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। रोकने वाला ये कौन है? चलो बच्ची। वो मेरे गुरु ही नहीं, भगवान समान है। ज्योति दर्शन तुमको करना है, इच्छा पूरी तुम्हें करनी है, तुम जाओ। लेकिन जाओ। मैं हूँ नंदिनी। दर्शन करने के बाद मुझे और बद्री को मिलाने के लिए, और दर्शन होने से पहले ही उस भीष्म नारायण से अलग करने के लिए थैंक यू। Thank you.
बद्री, अब तो खुश हो ना? लेकिन 100% नहीं, 95%। जब चाहने वाले से शादी हो जाएगी तो 5% भी पूरे हो जाएंगे। तुम भी ना बद्री, मैं किससे प्यार करती हूँ जानते हो? उसे काट के लगना था, मेरे पास लाओ। ज्योति दर्शन कराऊंगा ये वादा किया था, इसलिए इसे यहाँ लेके आया। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसी वहम में तुम लोगों ने इतना खून बहाया ना। मैं इस लड़की से ही नहीं, संसार के किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। मेरा जन्म मेरे गुरु के लिए है। आप कहेंगे तो इस मंदिर को ही क्या, इस शरीर को भी छोड़कर चला जाऊंगा। शिष्य को भी क्षमा देने का अधिकार होता तो कितना अच्छा होता। गुरु जी, ये पूरी दुनिया विश्वास के ऊपर चल रही है, उस विश्वास के सामने मैं हार गया, तुम जीत गए। जाओ दर्शन करो। भीष्म नारायण, उसे रोकिए। ज्योति को देखने से इच्छा पूर्ति होती है, ऐसा बोल के हम जैसे भोले लोगों को यकीन ना दिलाए कहीं ऐसे। बद्री, मैंने किसे चाहा जानते हो? तुम्हें। मैंने किसे प्यार किया जानते हो? तुम्हें। क्या रे, जो मुंह में आया बक रही हो? मार डालूंगी। चलो एक मिनट, रुक जाइए रुक जाइए, आपकी जो मर्जी आप पूरी कर लीजिए। बद्री, तुम्हें ने कहा था ना कि यहाँ पर आने से हर इच्छा पूरी होती है, यहाँ घर घर में नारे हैं, इसीलिए कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे ये पागल लोग। वास्तव में भगवान है ही नहीं, इस बद्री क्षेत्र में ही नहीं, इस सृष्टि में भी भगवान नहीं है। विश्वास मत करो, विश्वास मत करो, यकीन मत रखो। बद्री, I love you बद्री। मैं तुम्हारी बिना मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी बद्री, मैं जिंदा नहीं रहूंगी बद्री। I love you बद्री, I love you बद्री, I love you बद्री, बद्री बद्री, उस भगवान से जितनी तुम भक्ति करते हो उससे कहीं बढ़कर उस लड़की का तुम्हारे प्रति प्यार है। मेरे शिष्यों में से कोई भी मेरा वारिस बन सकता है, लेकिन उस लड़की के दिल में जो तुम्हारी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। बद्री, श्री हरि विष्णु इस बद्रीनाथ के कण-कण में है, ये साबित करने का जिम्मा मेरा है। अब तक तुम मेरे आदर्शों के लिए जी रहे थे, लेकिन अब तुम जियोगे उस लड़के के लिए। जाओ उसे लेकर आओ। Yeah!
मुझे मत मारो प्लीज प्लीज मुझे मत मारो प्लीज मुझे मत मारो मत मत मारो मत मत मारो मुझे देखो देखो मैं धर्म के लिए और भगवान के लिए हथियार उठाता हूँ अब अलकनंदा की ओर कभी भी आंख उठाकर मत देखना अलकनंदा बुढ़े फिर से कोई चाल चलने वाले हो क्या तू मेरा प्राण मुझसे छीन कर जा रही हो पर इससे भी ताकतवर इससे भी धैर्यशील जल्दी तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला है उसे तुम मुझे दे देना कन्नु मूस्त बद्रीनाथ कन्नु तिरस्त बद्रीनाथ ओड़ी कूस्त बद्रीनाथ लेडी लेस्त बद्रीनाथ బద్రీనాథ్ కన్ను తెరిస్త బద్రీనాథ్ కత్తి దూస్త బద్రీనాథ్ అంతు చూస్త బద్రీనాథ్ మదిలో మెర 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 మెరం అంటూ మెరిసే మెరిపే బద్రీనాథ్ హై నాథ్ నాథ్ హై నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్ నాథ్ 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 నీలో బద్రీనాథ్ నాథ్ 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 నీతో బద్రీనాథ్ నాథ్ 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 పల్ పల్ తెరియా ఇప్పటికీ కనిపిస్తా నీ పైట కొంగే నిచ్చనగా పైకొస్తా నీ నుదుట చారే ముచ్చమటై దిగి వస్తా మిత్రుడిపైనా నోపై నా ప్రియ శత్రువైనా నోపే ప్రేమికుడైనా నోపే సుకుల శ్రామికుడైనా నోపే వడ్డీతో చెల్లిస్తా నీ గుండెలోని గదిలోని దిగి ఉంటా